अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हेडेना की डिटेल्स में जाने से पहले किसी बात की, वी हैव टू नो अबाउट द जनरल रिलेशंस, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो पहले मैं आपको वो बताती हूँ, देन आई टेल यू अबाउट द स्पेसिफिक थिंग्स। अब देख लें, सबसे पहले ये है एक बंदे का रीजन, मुँह उसने ऊपर किया हुआ, ये सारा नेक रीजन एंड देन साइड्स पे शोल्डर्स हैं एज यू आर सींग इट। दरमियान में दिस इज़ द मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम, मेनुब्रियम स्टर्नाई पड़ी हुई है, और बाकी सारा रीजन है दरमियान में, सारा नेक का रीजन है। सो सुपरफिशियली क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले मसल पड़ा होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, जो एक तरफ मेनुब्रियम से अटैच है, और पीछे जाके इसके दो हेड होते हैं, एक मेनुब्रियल हेड होता है, एक इसका क्लेविकुलर हेड होता है। ठीक है, स्टर्नल और क्लेविकुलर हेड दोनों मिलकर अटैच हो जाते हैं टुवर्ड्स द टू द मेस्टॉइड प्रोसेस, और ये हमारे पास हो जाता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। अब इस साइड पे देखें, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के ऊपर फेशिया भी लगा हुआ पड़ा हुआ है। फेशिया इसके ऊपर जो सबसे पहले होता है उसे हम कहते हैं प्लेटिस्मा, और सॉरी एक फेशियल शीथ होती है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, जो आपकी डीप सर्वाइकल फेशिया की लेयर है, और उसके ऊपर एक ये सब क्यूटेनियस मसल होता है जो आपके सारा का सारा नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं प्लेटिस्मा। तो प्लेटिस्मा सबसे पहले स्किन होगी, स्किन के बाद ये वाला प्लेटिस्मा आएगा, प्लेटिस्मा के बाद डीप फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया आएगी, और वो हटाने के बाद हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल आएगा। ठीक है, अच्छा पहले मसल्स बता दी, फिर बता दी आर्टरी वेंस की क्या लोकेशन है। इसके बाद हमारे पास ये जो सेंटर में से आपको नज़र आ रही है चीज़ बल्जिंग, ये जो छोटी सी चीज़ है, ये वाला, ये इतना सा एरिया, दिस इज़ द थायराइड ग्लैंड, जो अंदर से थोड़ा सा नज़र आ रही है, उसका इस्थमस का पोर्शन नज़र आ रहा है, वैसे पूरा ग्लैंड कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये ऐसे करके थायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड है आपका। थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो वाइट वाला पड़ा हुआ है, दिस इज़ द क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक इतना सा एक्सटेंड कर रहा होता है, और ऊपर ये जो पड़ा हुआ वाइट वाला जो इतना सा नज़र आ रहा है, दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज, ये भी पूरा इतना एक्सटेंड करता है, ऊपर मसल्स ने इसे कवर किया हुआ है। जो मेम्ब्रेन होती है बिटवीन द क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज, जिसे कहते हैं क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन, और जो मेम्ब्रेन होती है ये हाइड बोन है। ठीक है, हाइड बोन और थायराइड कार्टिलेज के दोनों से कहते हैं थायरोहाइड मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई हमारी बातें। फिर हमारे पास कैसे जाते हैं स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को अगर हम हटा दें तो हमारे पास मसल आते हैं, सबसे पहले वो मसल आते हैं जो स्टर्नम से निकल के जा रहे और हाइड बोन में लग रहा है, ये वाला मसल, दिस मसल इज नॉन एज स्टर्नोहाइड मसल। ठीक है जी, वेरी सिंपल। फिर आपके पास इसके साथ से एक मसल है, ये वाला, ये इधर नीचे आता है, ये दरअसल मसल है जो इधर से आपके हाइड बोन से नीचे आएगा, पूरा यहाँ तक आएगा, एक पुली के साथ अटैच होगा टू द क्लेविकल, और फिर ये बैक पे जाके स्कैपुला के साथ अटैच हो जाएगा। दिस मसल इज नॉन एज ओमोहाइड मसल, और इधर आपको इसकी सिर्फ सुपीरियर बेली नज़र आ रही है। इन चीज़ों को हटाने के बाद आपको नज़र आती है पीछे कैरोटिड शीथ, और उसकी तीन चीज़ें उसमें कॉन्टेंट्स होते हैं, चलिए उनका जिक्र हम अभी मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि साथ ही सपोज़ हमने स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को हटा दिया, ये अब आपको ओमोहाइड भी पूरा नज़र आ रहा है। ठीक है, ओमोहाइड मसल जो मैंने अभी आपको बताया था, ये आपका स्टर्नोहाइड मसल आपको पूरा नज़र आ रहा है, और स्टर्नोहाइड मसल भी अगर इस साइड से हटा दिए जाएँ, सी स्टर्नोहाइड और ओमोहाइड भी हटा दें, तो नीचे से जो मसल नज़र आते हैं, ये वाला मसल, दिस इज़ द स्टर्नो थायराइड, क्योंकि ये स्टर्नम से आ रहा है और थायराइड कार्टिलेज पे लग रहा है। अब ये थायराइड कार्टिलेज से मसल ये जो जा रहा है, ये वाला, और जाके बोन पे लग रहा है, हाइड बोन पे, दिस इज़ द थायरोहाइड मसल। ठीक है जी, तो ये आपके चार मसल्स इस तरह से हो गए। देन यहाँ पर आपको साइड पे इनके रन करती हुई एक वेन और एक आर्टरी नज़र आ रही है, दिस वेन इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन, और देन दिस आर्टरी इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज में। फिर अब हमारे पास थोड़ी सी अगर हम बात कर लें यहीं पर, कि जो स्टर्नल ये ऊपर वाले मसल हैं सुपराहाइड मसल्स, ये कौन कौन से होते हैं, तो ये तीन लेयर्स में हम कंसिडर करते हैं। ये हाइड बोन है, पहला मसल जो यहाँ पर मैंडिबल के डाइगेस्ट्रिक फॉसा से आता है नीचे, पुली के जरिए अटैच हुआ है, पुली भी बनाई हुई है डीप लेयर इन डीप फेशिया की इन्वेस्टिंग लेयर ने, उसके जरिए अटैच हुआ है हाइड बोन पे, और इसकी बली चली जाती है पीछे और अटैच होती है मेस्टॉइड प्रोसेस पे। ये पूरा मसल है डाइगेस्ट्रिक मसल, सबसे सुपरफिशियल मसल। इसके पीछे जो मसल है, ये वाला, ये जो आपको सारा का सारा मसल नज़र आ रहा है, ये आता है माइलोहाइड लाइन ऑफ मैंडिबल से, इधर मैंडिबल के पीछे लाइन होती है माइलोहाइड लाइन, उधर से आके और हाइड बोन पे अटैच हो रहा है, दिस इज़ नॉन एज माइलोहाइड मसल। ये हो जाते हैं इसके दो मसल ऊपर के। फिर दो मसल इनके नीचे होते हैं, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि उन मसल से पहले हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी ये मैंने आपको सारी सुपरफिशियल चीज़ें बता दी, अब ज़रा मैं पहले इस रीजन के आपको थोड़े जनरल रिलेशंस मज़ीद बताती हूँ, ताकि फिर हम आगे सुपराहाइड जनरल रिलेशंस करें। अब आप देखें, अगर साइड व्यू में हमें दिखाया जाए तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, ये वही आगे वाला स्टर्नोहाइड मसल, उसके साथ ओमोहाइड की बेली आ जाती है, और फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल ऑफ फेरिंग्स, ये चले इंटरनल मसल्स हैं, इनके हम बाद में जिक्र कर लेंगे। अभी जो हम अगली बात करने लगे हैं, दैट इज़ द मसल जो यहाँ पर नज़र आ रही है सारे सारे बॉर्डर में लाइन में, याद रखना स्टार्ट करना हमने हमेशा सबसे पीछे वाले मसल से कर लेते हैं, दिस इज़ द ट्रेपीजियस।
ठीक है जी। ये जो बैक का बड़ा सा मसला ट्रेपीजियस है, आगे का जो बड़ा सा मसला है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, इन दोनों के दरमियान में जो ट्राइंगल बनता है दिस वन, दिस इज़ कॉल्ड एज पोस्टीरियर ट्राइंगल। ठीक है जी, आपका पोस्टीरियर ट्राइंगल बन जाता है। इस पोस्टीरियर ट्राइंगल के कॉन्टेंट्स में जो मसल्स आते हैं, जब वो डिसेक्ट करते हैं आप ट्रेपीजियस को हटाते हैं, सबसे पहले जो मसल नजर आते हैं दैट इज़ ये वाला स्प्लीनियस कैपिटिस मसल। ठीक है जी, बैक के मसल में से एक मसल है स्प्लीनियस कैपिटिस मसल, सबसे पहले नजर आएगा। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट मसल नजर आएगा दैट इज़ द लेवेटस कैपुली। ठीक है जी, स्प्लीनियस कैपिटिस, लेवेटस कैपुली। देन आपको तीन स्केलेनस स्केलीन मसल्स नजर आएंगे, स्केलेनस पोस्टीरियर, स्केलेनस मीडियस एंड स्केलेनस एंटीरियर। ठीक है, आप स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड को हटाएंगे तो स्केलेनस एंटीरियर उसके पीछे होगा, स्केलेनस मीडियस उसके मजीद पीछे और स्केलेनस पोस्टीरियर मजीद पीछे। ये आपने इस तरह भी याद रखना और ये भी याद रखना कि आपको हमेशा स्केलेनस एंटीरियर और मीडियल के बीच में से ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स निकलती हुई नजर आएंगी। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। सो ये आपने ऑर्डर इस तरह से याद रखना है, जैसे मैंने आपको इस तरह बताया कि हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, पीछे ट्रेपीजियस है, दरमियान उनके पोस्टीरियर ट्राइंगल है, उनमें उसमें अरेंजमेंट जो मसल का नजर आएगा स्प्लीनस कैपिटिस, लेवेटस कैपुली, स्केलेनस पोस्टीरियर, मीडियल एंड एंटीरियर। ये तीनों मसल हमारे इस तरह से हो गए। अब यहाँ पर जो नर्व्स और आर्टरीज का रिलेशन है कुछ इस तरह से है कि आपको सबसे सुपरफिशियल जो चीज़ें नजर आएंगी, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये आपका जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, इसके ऊपर आपको वेन रन करती हुई नजर आती है दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो यहाँ पर आपको सबसे बाहर रन करती हुई नजर आती है। वो फॉर्मेशन उसकी पीछे होती है रेट्रोमेंडिबुलर और पोस्टीरियर ऑरिकुलर से मिलकर, खैर वो बहुत डिटेल हो जाएगी, सिर्फ आपको जनरल रिलेशंस बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है वो सबसे ऊपर रन करती है ओवर द स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड। नीचे आके ये ड्रेन कर जाती है इनटू सब ग्लेवियन वेन, तो आपकी एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो सब ग्लेवियन वेन में आकर ड्रेन कर जाती है। ये वाला जो है वो रीजन हमारे पास वो आगे जहाँ पर आपके रिलेशंस आपको नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है उसी तरह से लगा हुए, उसके ऊपर जो मोटी दासी वेन है दिस इज द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, वेरी सिंपल। ये ऊपर कहाँ से बनी थी, मैंने कहा था रेट्रोमेंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन मिलकर जो है इसको बनाती है, तो ये रेट्रोमेंडिबुलर वेन का छोटा सा पोर्शन है, उसके बाद एक्सटर्नल जुगुलर वेन कंटिन्यू हो जाती है। जो इसके ऑपोजिट वेन है दैट इज इंटरनल जुगुलर वेन, वो हमेशा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के नीचे होती है, उसके पीछे होती है, उसके डीप रिलेशंस में आती है, क्योंकि वो कैरोटिड शीथ के कॉन्टेंट्स में से एक है। कैरोटिड शीथ वो चीज़ है जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के पीछे पड़ी हुई है। ऐसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के पीछे एक पूरा शीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तीन चीज़ें होती हैं मीडियल से लैटरल जाएँ तो। सबसे मीडियल होता है आपके पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड में डिवाइड हो जाती है, फिर होती है विगस नर्व और फिर होती है आपकी इंटरनल जुगुलर वेन। एक कैरोटिड शीथ की बातें हैं जिसे ना उसे फेल भी कर दिया जाता है, इसलिए याद रखना। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके अलावा जो क्यूटेनियस नर्व्स हैं वो सारी की सारी ऊपर की तरफ होंगी। अब क्यूटेनियस नर्व में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यू मस्ट रिमेंबर दैट हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सिस है। सर्वाइकल प्लेक्सिस आपको नजर आएगा ऑलमोस्ट उस जगह पर जहाँ पर स्केलेनस एंटीरियर और मीडियस वगैरह साइड ऑफ नेक पे होते हैं। उधर सर्वाइकल प्लेक्सिस के चार रूट्स हैं, ठीक है, C1, C2, C3, C4। नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ।